रहेंगे। आज हम देखेंगे कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, द रेंज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, और परमिटिविटी का कंसेप्ट पूरा समझने के बाद हम फिर से कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन को रिविजिट करेंगे। सो लेट अस बिगिन बच्चों। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? अब ये शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को किसी और मीडियम के साथ रिलेट करना चाह रहे हैं, किसी मीडियम की परमिटिविटी को किसी रेफरेंस मीडियम के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। अब अगर हमें नहीं पता कि ये दो चार्जेस किस मीडियम में प्रेजेंट है, मान लीजिए हमें गिवन नहीं है ये डेटा कि ये दोनों चार्जेस कौन से मीडियम में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम एज्यूम करते हैं कि ये मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस मीडियम है। जी हाँ, आने वाले टॉपिक्स में हम जब न्यूमेरिकल कवर करेंगे तो कई बार न्यूमेरिकल में भी शायद स्पेसिफाई ना हो कि दो चार्जेस किस मीडियम में प्रेजेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यही एज्यूम करना है कि हमारा मीडियम कौन सा है, फ्री स्पेस मीडियम है। जी हाँ बच्चों, फ्री स्पेस मीडियम हमारा डिफ़ॉल्ट मीडियम होता है। हमने फ्री स्पेस को डिफ़ॉल्ट मीडियम क्यों बनाया? बिकॉज़ हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था कि वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर इन दो चार्ज के अलावा कोई और तीसरा चार्ज या एटम प्रेजेंट नहीं होता, ये एक फ्री स्पेस होता है। तो ऐसे मीडियम में ये दो चार्ज का जो इंटरैक्शन होगा वो बेस्ट पॉसिबल इंटरैक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के वैक्यूम मीडियम में ट्रैवल करती है। तो जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे वो पूरी तरह से प्योर रिजल्ट्स मिलेंगे बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के, इसलिए हम वैक्यूम को एक स्टैंडर्ड मीडियम मानते हैं। अदर देन वैक्यूम कोई भी और मीडियम हो तो गारंटी है कि उन मीडियम्स में एटम्स होंगे और कुछ हद तक उन मीडियम्स में एक्सटर्नल फील्ड की वजह से पोलराइजेशन भी होगा, और वो पोलराइजेशन ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है। सो इंटरैक्शन दूसरे मीडियम में थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पर वैक्यूम को ही एक रेफरेंस मीडियम मानते हैं और दूसरे मीडियम को वैक्यूम से कंपेयर करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। हम इसे रिलेटिव परमिटिविटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी ऑलवेज डिफाइन परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम इन मल्टीपल्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो हम वैक्यूम को एक बेसिस मानते हैं और वैक्यूम की परमिटिविटी के वैल्यू के मल्टीपल्स में ही हम किसी और मीडियम की परमिटिविटी को डिफाइन करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी n टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। तो ये जो n फैक्टर है ये हमें इंडिकेट करेगा कि जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा है। n फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उस मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से उतनी ज़्यादा होगी, और अगर n ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, उस मीडियम में पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ट्रैवल करना उतना आसान नहीं रहेगा उस मीडियम में, करेक्ट। तो ये जो n फैक्टर है ये है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी फैक्टर, जिसे हम एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मेटल की जो परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल की परमिटिविटी इज़ इनफाइनाइट टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड दिस इनफाइनाइट फैक्टर और इन जनरल द n फैक्टर इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, और हम इसी n को एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। इन जनरल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज़ गिवन बाय, तो बच्चों हम इक्वेशन बना सकते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन m इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम से कंपेयर कर सकते हैं और कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर ये हमारा एप्सिलॉन आर क्या है, एक मल्टीप्लायर फैक्टर जिसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो इंडिकेट करेगा कि मीडियम वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपोज कर सकता है. So how do we define now relative permittivity? It is defined as the ratio of permittivity of medium to permittivity of vacuum. तो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन आर को अगर एक तरफ रखें तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो कुछ इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा relative permittivity is the ratio of permittivity of medium टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. तो ये डेफिनेशन और फार्मूला हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. तो परमिटिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ये यूनिटलेस क्वांटिटी, ये सिर्फ एक मल्टीप्लायर फैक्टर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है. करेक्ट. अब हम देखेंगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू की रेंज क्या हो सकती है. तो जैसा हमने कहा कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को जब हम रिलेट करते हैं तो हम किस मीडियम से रिलेट करते हैं, वैक्यूम मीडियम से. वैक्यूम को हम रेफरेंस मानते हैं. तो अगर हमें वैक्यूम की ही रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन करनी है तो वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी खुद ही के साथ क्या होगी बच्चों, तो हम कहेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन लगाएंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. अब हमारा मीडियम ही वैक्यूम है तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 1. दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट. सो रिलेटिव परमिटिविटी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई इनफाइनाइट. सो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का जो रेंज होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इट लाइज बिटवीन 1 टू इन्फिनिटी. इट कैन नेवर बी लेस देन 1 एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव. इट लाइज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. करेक्ट. सो नाउ लेट अस विजिट द कूलम्स लॉ एक्सप्रेशन. सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस है दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर. एज्यूम करते हैं कि ये दो चार्जेस किसी और मीडियम में प्रेजेंट है, कोई भी मीडियम हो सकता है. हाल फिलहाल एज्यूम करते हैं ये मीडियम अदर देन वैक्यूम है, इसमें ये दो चार्ज पड़े हैं. करेक्ट. ये मीडियम वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, उसमें ये दो चार्जेस पड़े हैं. तो इसके कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, F इज़ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर हम K को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर हमारा एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम. तो वो मीडियम कोई भी हो सकता है. करेक्ट. और हमने अभी हमारे प्रीवियस स्लाइड में देखा था, या आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हो कि एप्सिलॉन एम क्या होता है, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट. तो हम इस एप्सिलॉन एम को रिप्लेस कर सकते हैं एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर. तो ये हमारे कूलम्स फोर्स का कंप्लीट एक्सप्रेशन तैयार हो चुका है. अब अगर ये मीडियम हम माने कि ये मीडियम स्पेसिफिकली वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमने देखी थी वो है 1. करेक्ट. तो ये 1 अगर हम इस इक्वेशन में इंसर्ट करें तो फाइनली कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर. एंड दिस इज़ द एक्सप्रेशन विच वी हैड रिप्रेजेंटेड इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर. सो आई होप अब आपको कूलम लॉ, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वेशन लिखते हैं कैसे हैं, अगर मीडियम वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है तो कैसे लिखते हैं, ये सारे कंसेप्ट्स और टॉपिक्स हमने देख लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कूलम्स लॉ. सो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. टिल देन सी यू, टेक केयर.